मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस मिले हैं। ज्यादातर मरीज राव इलाके से हैं। इंदौर में 4 दिन में ही 26 नए मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं एक की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। 23 नवंबर को 7,149 लोगों के सैंपल लिए गए थे। 7,125 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। स्वास्थ्य विभाग अब नए मरीजों की सैंपल हिस्ट्री का पता लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। संगठन ने 24 और 25 नवंबर को विधायकों की बैठक बुलाई है। इसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव विधायकों से 1-to-1 बात करेंगे। इस बैठक को सत्ता पर संगठन की कसावट के तौर पर देखा जा रहा है। विधायकों को 2 दिन बैठक चलने के बाद 26 नवंबर को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू होगा। 15वीं विधानसभा की शीतकालीन सत्र के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र सोमवार 20 दिसंबर 2021 से शुरू होकर शुक्रवार 24 दिसंबर 2021 तक चलेगा। इस 5 दिन के सत्र में सदन की कुल 5 बैठकें होंगी। इसमें महत्वपूर्ण सरकारी विधि और वित्तीय काम किए जाएंगे। भिंड के गोहा थाना क्षेत्र स्थित पिपरसाना गांव के पास संचालित 2 क्रशर के रास्ते को लेकर सोमवार को विवाद गहरा गया। दोनों पक्षों की ओर से करीब 2 दर्जन गोलियां चलाई गई हैं। मामले में पुलिस ने गोहद से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता रणवीर जाटव को भी आरोपी बनाया है। पूर्व विधायक रणवीर जाटव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्चे की जान चली गई। मासूम की मौत उसी के चाचा की जीप से कुचलने से हुई है। बताया जाता है कि चाचा जीप से बच्चे को घुमाने ले गए थे, लौटे तो बच्चे को गेट पर छोड़कर जीप रिवर्स करने लगे, तभी बच्चा चपेट में आ गया। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।